हेलो दोस्तों, मेरी संध्या संध्या रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लस्सी। तो ये गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडक देती है और हमें डिहाइड्रेशन से बचाती है। तो ये कैसे बनाया जाता है इसकी रेसिपी मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो लस्सी बनाने के लिए हमें एक कप फ्रेश दही चाहिए, ये गाढ़ा दही है, आधा कप ठंडा दूध, एक चौथाई कप चीनी, एक चम्मच ड्राई फ्रूट, एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर और आइस क्यूब। आज हम लस्सी मिक्सी जार में बनाने वाले हैं, तो मैंने मिक्सी जार लिया है। आप चाहे तो मदानी भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम सबसे पहले मिक्सी जार में दही डाल देंगे। दूध से लस्सी गाढ़ी और मलाईदार बनती है। अभी हम इसमें चीनी डालेंगे, इलायची पाउडर और आइस क्यूब। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी एक दो मिनट मिक्सी चला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसको सर्विंग ग्लास में निकाल लेंगे। अभी मैंने दो सर्विंग ग्लास लिए हैं। अभी हम उसमें लस्सी डाल देंगे। तो देखो एकदम गाढ़ी और मलाईदार लस्सी बनी है। तो अभी हम इसको गार्निश कर देंगे। तो मैंने बादाम और पिस्ता लिया है, आप कौन सा भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हो। अभी हमारी लस्सी रेडी है, तो इसको एक सर्विंग ट्रे में रख देंगे। वाव मस्त। तो अभी हमारी लस्सी रेडी है। तो इसको गर्मी में पीने से शरीर को तरोताजगी आती है। तो आप कैसी लगी लस्सी की रेसिपी? अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करना, साथ में कमेंट भी करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।